खबर शिवपुरी से है, जहां खनिया थाना के निवासियों ने एसपी ऑफिस आकर सहारा कंपनी के क्षेत्र के नागरिकों तथा सहारा कंपनी के एजेंट कार्यकर्ताओं की रकम का भुगतान करवाने तथा उन पर प्राकरण पंजीबृत करने के लिए एसएसपी को शिकायत की। जहां आपको बता दें कि सभी एजेंट थे जिन्होंने सहारा कंपनी में अपनी मेहनत की पूंजी हेतु सहारा कंपनी में इन्वेस्ट की थी। सभी लोग सहारा कंपनी के जमाकर्ता एवं कार्यकर्ता के रूप में विगत कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। सहारा कंपनी में खनिया थाना क्षेत्र के हजारों लोगों के करोड़ों रुपए कंपनी में फंसे हुए हैं। कंपनी समय पूर्ण होने के पश्चात भी 3 से 4 वर्षों का समय भी बीत गया, लेकिन अभी तक कोई भुगतान नहीं कर रही है, जिससे कई कार्यकर्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए समस्त एजेंटों ने एसपी ऑफिस आकर सहारा कंपनी के ऊपर मामला दर्ज कराने की मांग की है। मेरा नाम मनोज रावत है, मैं खनिया थाना का रहने वाला हूँ। हमारा लाखों रुपए हम लोगों ने जमा किया था अपनी मेहनत मजदूरी करके, और जो पैसा आज तक हमारा सहारा में 4-5 साल हो गए उनके म्याद खत्म हुए, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक भुगतान के चक्कर में और हम लोग घूम रहे हैं। खनिया थाना में हम लोगों के कार्यालय भी बंद हो गया है, जो ऑफिस सहारा का था, अब भुगतान के लिए हम लोग परेशान हो रहे हैं। कितने कस्टमर होंगे उसके? 50 एजेंट है और 1000-2000 लोग लगभग हमारे खाते होल्डर हैं, उनका भुगतान आज तक किसी परेशानी इतनी है कि हम लोग घरों में नहीं रह पा रहे। कितना भुगतान? लगभग 15-20 करोड़ रुपए सिर्फ खनिया थाना का होगा। आप घर में क्यों नहीं रह पा रहे हो, क्या दिक्कतें आ रही हैं? लोग हम जिन्होंने एजेंटों को पैसे दिए हैं, पैसा जमा था, लोगों ने हमें जब पैसे दिए हैं तो वो अपने भुगतान वापसी के लिए हम लोगों पे चढ़ते हैं, घरों में रहे। नहीं, हम लोगों ने सहारा में भुगतान किया था, तो सहारा में जो पैसे जमा किए अब वो चढ़ेंगे तो हम से के भुगतान दिलवा, हम एजेंट हैं, तो अब रहना मुश्किल हो रहा है और पैसे के लिए। तो अब इस बारे में आपने कंपनी वगैरह से कांटेक्ट करने की कोशिश किया? हाँ, कंपनी कोई सभी मोबाइल बंद है, कोई बात नहीं करता। जो हमारी सीनियर थे उन लोगों का भी पता नहीं है, सब लोग इधर उधर, कोई कोई फोन लगता ही नहीं है किसी का। पूर्व में भी इस प्रकार की शिकायतें आई थी। हाँ, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? अब कुछ भी आज अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। हम लोग श्रीमान भुगतान मिल जाए जमा करता, इसीलिए हम लोग उन्होंने FIR का आश्वासन दिया है कि जो भी उचित कार्रवाई होगी, और कंपनी के खिलाफ FIR का आश्वासन दिया।